हेलो एवरीवन, अगर आपको भी आंखों पे बार बार फोड़ा या फुंसी हो जाता है, या फिर जिसको आप गुंधनी या गुबरी बोलते हैं, मेडिकल में इसको स्टाई बोला जाता है, अगर आपको भी ये बार बार हो रहा है तो सावधान हो जाइए। तो ये कैसे होती है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, घर पर ही कोई ऐसी दवाई है जिससे इसको ठीक किया जा सकता है, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। डॉक्टर के पास जाए बिना ही आप इसको घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये कैसे होती है और ये ठीक कैसे की जा सकती है घर पर ही बिना किसी डॉक्टर से दवाई लेने के। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो पलकों की बेस लाइन होती है, 2-3 दिन पहले वहां दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा बम्प या फिर पिंपल, फुंसी जिसको आप बोलते हैं, या फिर फोड़ा भी कुछ लोग बोलते हैं, वो निकल के आता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है। उसमें पस भर जाती है जिसको मवाद बोला जाता है, और वो दर्द ज्यादा देना शुरू कर देती है और इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। कई बार ये छोटी होकर ही वहीं से रिवर्स हो जाती है, और कई बार ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसकी फिर सर्जरी की जाती है। ज्यादातर ये मॉनसून के सीजन में होती है, बिकॉज मॉनसून में जर्म्स और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे हाथों में भी जर्म्स होते हैं, बार बार हम टच करते हैं, और हम अपने पिलोज हैं, हैंकी है, रुमाल है, जो हम यूज करते हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए, कई बार उनसे भी हो जाता है। इसलिए हमें उनको जल्दी जल्दी धोना चाहिए, साफ रखना चाहिए। घर पर ही इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला है कि हम गर्म सिकाई कर सकते हैं। एक साफ कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको तवे पे या फिर वॉट बॉटल के साथ लेके गर्म कर लीजिए। गर्म करके उसको धीरे धीरे सिकाई करनी है, 5 से 10 बार आप गर्म सिकाई कर सकते हैं गर्म कपड़े से, या फिर जो हॉट बॉटल्स आती हैं उनसे भी आप सिकाई कर सकते हैं। साफ होना चाहिए कपड़ा या जिससे भी आप सिकाई करें, बिकॉज जो इन्फेक्शन होता है, जर्म्स होते हैं, आईज के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेती है। उसके बाद अगर आप चाहें एंटीबायोटिक्स लेना अपने डॉक्टर से, तो आप आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट लीजिए, ओरल ना लेके आई ड्रॉप्स ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और अगर आपको बार बार हो रही है, हर 2 या 3 महीने में हो जाती है, या फिर 4-5 महीने में बार बार निकल रही है, कभी राइट पे होती है, कभी लेफ्ट पे हो रही है, तो फिर आप अपना एक डायबिटीज का चेक कराइए, क्योंकि ये एक सिग्नल है, संकेत मिल रहा है आपको कि आपको शुगर लेवल बढ़ गया है, डायबिटीज हो गया है, तो वो आप जरूर चेक कराना। और अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं और आप चश्मा नहीं लगाते हैं, तो प्लीज चश्मा लगाना शुरू कीजिए, अपनी आईज का चेकअप टाइम टू टाइम कराते रहिए। जबरदस्ती पस भरने के बाद पस को निकालने की कोशिश ना करें, वो अपने आप निकल जाएगी और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। गर्म सिकाई करेंगे तो वो रिवर्स भी हो जाएगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताना किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।